कभी बीमार नहीं देखा मैं, जितने भी नए दोस्त बने हैं। मेरे डॉक्टर सर्जरी के लिए बोल रहे थे उसकी, आज जब उसका खून बह रहा है तो मुझे करना पड़ती है कुछ चीजें, ना चाहते हुए भी इनके लिए कुछ लेके नहीं जा सकते। गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है, 1 बज रहे हैं अभी और आज है संडे। तो कल से मेरा सैटरडे और संडे सेम ही हो रखा है क्योंकि कल से मैं हॉस्पिटल ही हूँ। मेरे दोस्त की भाई की तबीयत ख़राब है, वो लोग कल रात ही एडमिट हो गए थे तो जिसकी वजह से मुझे रात को आना पड़ा। तो रात भर मैं हॉस्पिटल में थी, सुबह आई तो सुबह सोई मैं, और अभी फिर से मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल, फिर से एक बार उनसे मिल लेती हूँ और फिर आऊँगी घर क्योंकि कल मेरा ऑफिस है। और मेरा ये मानना है कि कोई इंसान सुख में जाए या ना जाए, दुख में ज़रूर जाना चाहिए। तो इसी वजह से मैं कल से उन लोगों के साथ हूँ। तो अभी भी मैं जा रही हूँ फिर से हॉस्पिटल, और कल तक मैं जा रही थी कैब से, पर आज मुझे मेट्रो का रास्ता पता चल गया है तो आज मैं जा रही हूँ मेट्रो से पहली बार। तो सबसे पहले मुझे यहाँ से टिकट कटवानी है, फिर यहाँ से जाना है अंदर। तो अभी मैं पहुँच गई हूँ मेट्रो स्टेशन, तो यहाँ से आएगी मेरी मेट्रो। तो थोड़ी देर वेट कर लेते हैं मेट्रो के आने का। थोड़े से इंतज़ार के बाद अभी फाइनली मेट्रो भी आ गई है, तो अब इसमें बैठ के जाऊँगी मैं। अभी यहाँ से मुझे करनी है मेट्रो चेंज, और यहाँ पता नहीं इतनी भीड़ होती है हर बार जब भी मैं यहाँ आती हूँ, इस स्टेशन में हमेशा ही भीड़ होती है। तो दिल्ली की आधे पॉपुलेशन मुझे यहीं दिखती है। क्योंकि अभी सभी लोगों का टाइम होता है घर जाने का। अभी दूसरे स्टेशन पे मैं जैसी पहुँची वैसी मेट्रो भी आ गई है। फाइनली मैं पहुंच गई हूँ अपनी डेस्टिनेशन पे, थोड़ा सा मुझे चलना है, उसके बाद मैं पहुंच जाऊंगी हॉस्पिटल में। यहाँ पे दो तरीके से होता है, यहाँ से एंट्री होती है और यहाँ से एग्जिट होता है। मेट्रो स्टेशन से तो मैं आ गई हूँ, पर अब मुझे गेट नंबर 3 ढूंढना है, वहाँ से मुझे एग्जिट होना है। तो फाइनली मुझे गेट नंबर 3 भी मिल गया है। तो अभी फाइनली मैं पहुँच गई हूँ के बाहर। तो सामने है एम्स, और हॉस्पिटलों में जहाँ जाओ, दिल्ली जाओ चाहे देहरादून जाओ, भीड़ ही भीड़ होती है। वो है सफदरजंग में, और ये है सफदरजंग का गेट, और ठीक सामने एम्स का गेट। तो अभी मुझे फटाफट जाना है क्योंकि पेशेंट के लिए कुछ लेके नहीं जा सकते हैं, उसे 2-3 दिन कुछ खाने के लिए नहीं बोला है, उसे सिर्फ ग्लूकोज वगैरह पे ही रहना है। और अभी फाइनली हम पहुंच गए हैं हॉस्पिटल, और जो हमारा पेशेंट है वो सर्जरी वार्ड में शिफ्ट है। वो सर्जरी वार्ड में अभी एडमिट है, और वो छोटा भाई है यार, उसका मतलब कि उसको देख के मुझे काफ़ी अजीब सा लग रहा है। जब से मतलब कि हम लोग दोस्त बने हैं, उसको मैंने अपने छोटे भाई अपने बच्चे की तरह ही रखा है, और आज जब उसका खून बह रहा है तो मुझे, पहले ही मैं हार्ट पेशेंट हूँ और देख के मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, पर करना पड़ती है कुछ चीज़ें ना चाहते हुए भी। तो पहले डॉक्टर सर्जरी के लिए बोल रहे थे उसकी पित्त की थैली में दिक्कत है, तो फिर मैंने उसकी रिपोर्ट चंडीगढ़ भेजी जो हमारा पर्सनल डॉक्टर है उसके पास। तो उन्होंने बोला है कि सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, मेडिसिन से ही ठीक हो सकता है। तो उसके बाद फिर मैंने डॉक्टर से डिस्कस करा, तो डॉक्टरों ने बोला है कि अगर उन्होंने बोला है तो कर लेते हैं, तो जब पेशेंट दवाई से ठीक हो सकता है तो सर्जरी की ज़रूरत क्या है। और वैसे भी उसकी उम्र अभी बहुत छोटी है यार, आज तक मैंने ज़िंदगी में उसे कभी बीमार नहीं देखा, आज पहली बार वो बीमार हुआ है और सीधे सर्जरी वार्ड पे पहुंच गया है। तो अभी देखते हैं, 1-2 दिन के लिए बोला है डॉक्टर ने एडमिट करने के लिए, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। और जब इंसान का समय ख़राब होता है तब तरह तरह की बातें होती है, बट इन बातों को इग्नोर करना चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए। मतलब कि मैं तो यही बोलती हूँ, मैंने मतलब कि मैं खुद हार्ट पेशेंट हूँ, मेरे से नहीं देखी जाती है चीज़ें, पर देखनी पड़ती है मुझे ही। यहाँ जितने भी लोग हैं सब यही है कि रोने धोने वाले ही हैं, सब दिल के बहुत छोटे हैं, दिल से कमज़ोर हैं, इनके साथ भी बहुत सारी चीज़ें हुई है तो होना पड़ता है। पर तो पहले चलते हैं, शिवांगी आ रही है एक बार, तो मैं शिवांगी को लेने जा रही हूँ, तो उसको भी मिलना है, उसके बाद हम चले जाएंगे घर क्योंकि कल हमारा ऑफिस है। थोड़ी देर रुकेंगे जैसे ही डॉक्टर बोलेंगे, उसके बाद मुझे भी घर जाना है क्योंकि मेरा ऑफिस है और अभी मुझे छुट्टी नहीं मिल सकती है। मैंने बात करी है ऑफिस में, अगर मिल जाएगी तो फिर मैं रुकूंगी, अगर नहीं मिलेगी तो फिर मुझे जाना पड़ेगा। तो पहले मेरी सुपरवाइज़र आ रही है शिवांगी, और टाइम टाइम की बात है, जब शिवांगी मुझे मिली थी तब वो मेरे अंडर थी न्यू टीवी में,
और जब मैं उसे मिली हूँ तो अब मैं उसके अंडर में हूँ, वो मेरी सुपरवाइजर है। तो पहले चलते हैं एक बार अपनी मैडम को ला देते हैं। और हॉस्पिटल तो वैसे ये काफ़ी बड़ा है और इसमें फैसिलिटी भी काफ़ी अच्छी है, मतलब जिस तरीके से मैंने सोचा नहीं था उससे ज़्यादा यहाँ पे अच्छी चीज़ें हैं। और ये जो सफदरजंग है ये जाना माना हॉस्पिटल तो है ही, उसके अलावा मेडिकल कॉलेज भी है। तो कल से मेरा खाना इसी कैंटीन से चल रहा है, पेटीज वगैरह और सैंडविच वगैरह, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल में खाना खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, बट खाना पड़ता है तो इसलिए सैंडविच और पेटीज में ही मैं ज़िंदा हूँ। दिल्ली में इतनी गर्मी है, जैसी मैं बाहर आई वैसी इतनी गर्म गर्म हवाएँ चल रही है, ऐसा लग रहा है जैसे गर्म गर्म हवाओं के थप्पड़ लग रहे होंगे मुँह पर। और क्या बोलूँ यार, कुछ समझ में ही नहीं आता है ऐसी कंडीशन में। आज संडे है तो दिल्ली की सड़कों में इतनी भीड़ नहीं है, जब हमारी छुट्टी होती है तब एकदम कचाकच पूरी रोड भरी हुई होती है। तो आज कुछ लोगों की छुट्टियां हैं और जिन लोगों की नाइट शिफ्ट है वो लोग अभी जा रहे हैं। तो अभी जब तक मेरी पसंदीदा औरत की कैब आती है तब तक मैं यहाँ पर बैठ जाती हूँ, क्योंकि थक लग गई है मुझे कल रात से। दो तीन दिन से हम प्लान कर रहे थे कि जब संडे आएगा तो हम घूमने जाएंगे ऑफिस में, जितने भी नए दोस्त बने हैं वो और हम लोग, पर कल से मैं हॉस्पिटल में ही हूँ तो क्या ही घूमने जाना। मुझे इस चीज़ का बुरा नहीं लग रहा है, मुझे बस इस चीज़ की खुशी है कि फटाफट वो ठीक हो जाए, ये लोग घर चले जाए, उसके बाद घूमने के लिए पूरी ज़िंदगी रह रखी है। थोड़ी देर वेट करते हैं फिर चलते हैं, ये अब मेरा खुद का भी बीपी लो होने लग गया है। और अभी टाइम हो रहा है 12 बज गए हैं तो अभी हम आए हैं कुल्हड़ चाय पीने के लिए। रात को भी हॉस्पिटल के बाहर लगभग काफ़ी दुकानें खुली रहती हैं और आजकल सभी हॉस्पिटलों के यही हाल है, मरीज बेचारा आराम से बेड पे रहता है और जो उनके साथ आते हैं वो बेचारे इस हालत में रहते हैं। अब हम मिल गए हैं तो अब हम जा रहे हैं घर, क्योंकि कल हमें ऑफिस जाना है और मुझे थकान भी लग गई है और आजकल मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि यही हो रहा है, सुबह ऑफिस फिर शाम को आना और शाम को आते आते रात हो जा रही है। तो अब मैं कोशिश करूँगी कंटिन्यू ब्लॉग करने की। तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं रीता भंगड़ा, मिलती हूँ आपको अपने किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता।